तो जो अगर आप भी चाहते हो आपकी स्किन पर सोप यूज करने के बाद आपकी स्किन ब्राइटनिंग हो, आपकी स्किन पर कई तरह की प्रॉब्लम वो जल्दी से खत्म हो जाए, स्किन की नहीं आपकी बॉडी पर कई तरह की प्रॉब्लम है जो बिल्कुल आ चुकी है। आपको पता, आप गर्मी है, गर्मी का हमारे स्किन पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। गर्मी में हम जब बाहर निकलते हैं बिना स्किन ढके या फिर हम बिना हाफ बाजू टी शर्ट पहन के, तो हमारे जो यहाँ से ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में बात करने वाला है एक स्किन ब्राइटनिंग सोप के बारे में जो आपको स्किन पे दिख रही है। इस सोप के बारे में आपको बिल्कुल रिव्यू आपको मैं देने वाला हूँ। इस सोप का नाम है स्किन जीने की क्रीम जो आपको अभी बहुत ज्यादा वायरल चल रही है। इसके बारे में आपने यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियो आपने देखी होगी, बट आज की वीडियो में जो रियलिटी है वो आज की वीडियो में इस सोप के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। इस सोप का आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा अच्छा खासा इफेक्ट आपकी स्किन पर होने वाला है। कौन कौन सी प्रॉब्लम को हटाएगा वो आगे आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। अप्लाई करने का तरीका वो आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इसका रिजल्ट कितने दिन में मिलेगा वो भी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। अगर इस वीडियो में आप एंड तक बने रहोगे तो इस शॉप के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर डिटेल आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती तो गाइस लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही कंटेंट बनाता हूँ जिसके अंदर कई तरह के सीरम, कई तरह की क्रीम, कई तरह के फेस वॉश, कई तरह के सीरमों के बारे में डिटेल में बताता रहता हूँ, उसको यूज करने का बिल्कुल सब कुछ रिव्यू करता रहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती तो गाइस लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही कॉन्टेंट बनाता हूँ, ठीक है। तो देखो गाइस आपको मैं बताता हूँ स्किन जीने क्रीम के बारे में। तो देखो गाइस इजीली आपको ये कहां पर भी मिल जाएगी, आप इसको परचेस कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में इस क्रीम, इस शॉप के बारे में मैंने डिटेल आपको मैंने दे रखी है, वहां जाकर आप इसको परचेस कर सकते हो। अच्छे खासे दाम में आपको मिलेगा ये शॉप, ठीक है ना गाइस। ये 135 ग्राम की शॉप है, ठीक है। तो देखो गाइस इसकी इस शॉप के बारे में अगर मैं बात करता हूँ स्किन जीनी क्रीम के, स्किन जीनी शॉप के बारे में, तो देखो गाइस मार्केट में कई ऐसे शॉप आती है जिसके अंदर ओनली फॉर बताया गया है, लेकिन गाइस उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज बिल्कुल भी नहीं किए गए। लेकिन गाइस ये एक ऐसे स्किन जीनी ब्राइटनिंग शॉप है जिसके अंदर रियल में जो इस बताए गए जो इंग्रेडिएंट्स वो यूज किए गए हैं और हमारे स्किन के कई तरह की प्रॉब्लम को हटाएगा। देखो गाइस अगर इस शॉप के बारे में बात करता हूँ तो ये हमारे स्किन पे पिगमेंटेशन को हटाएगा, डार्क स्पॉट्स को हटाएगा, ठीक है ना। हमारे स्किन को बिल्कुल बूस्ट करने में काफी ठीक हेल्प करेगा, ठीक है। स्किन पर किसी पर रेडनेस होती है तो उसको भी हटाने में हेल्प करेगा। आपको पता है गर्मी आना स्टार्ट हो जाए, स्किन पर कई सूरज से होने वाली किरणों से हमारी स्किन पर नुकसान होती है, तो उससे भी हमारी स्किन को बचाने में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है ना गाइस। हमारी स्किन को बहुत अच्छा क्लियर करेगा जिससे हमारे स्किन पर कई तरह की प्रॉब्लम वो जल्दी से खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब बात करता हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो देखो गाइस इसके अंदर मेन बेस्ट इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया है जो स्किन को लाइटनिंग भी बनाता है और हमारी स्किन पर कई तरह की प्रॉब्लम को हटाता है। इसके अंदर यूज किया है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड एक सबसे अच्छा माने जाने वाला एक स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स है जो हमारी स्किन पर एजेंट के रूप में कार्य करता है और हमारी स्किन को लाइटनिंग बनाने के साथ साथ कई तरह की प्रॉब्लम को हटाता है। इसके अंदर ग्लूटाथियोन यूज किया है। ग्लूटाथियोन कई क्रीमों में यूज किया जाता है, कई इंग्रेडिएंट्स में, इंग्रेडिएंट्स के थ्रू यूज किया जाता है, कई तरह के इंजेक्शन में यूज किया जाता है, क्योंकि गाइस एक स्किन सबसे अच्छा माने जाने वाला एक सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट्स है जिससे स्किन ब्राइटनिंग होने के बाद स्किन के डार्क स्पॉट को हटाने में बहुत हेल्प करता है। इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड यूज किया है जो एक सबसे अच्छा स्किन इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे स्किन के गंदगी को निकाल के स्किन को ब्राइट बनाता है, स्किन के पिगमेंटेशन को यह हटाता है, ठीक है। बाकी स्किन जीनी क्रीम के बारे में उतना डिटेल से नहीं गया, बाकी हमारी स्किन को ग्लोइन बनाने में बहुत ज्यादा, फेयर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला, ठीक है। बात करता हूँ उसके बेनिफिट के बारे में। तो देखो गाइस ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ हमारी स्किन का रेडनेस और ड्राइनेस को बिल्कुल कम करेगा, ठीक है। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट बनाएगा, ठीक है ना। हमारी स्किन को हेल्दी रखेगा, हमारे स्किन का वर्निकल को हटाने के साथ साथ हमारी स्किन को अच्छे तरह से एजिंग करेगा, मतलब अच्छे तरह से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण से जो नुकसान है उसको हटाएगा, ठीक है। हमारी स्किन को ब्लेमिश और डार्क स्पॉट को हटाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है गाइस। ये एक एले स्किन सूटेबल है, ठीक है। इस पे लिखा गया है नो साइड इफेक्ट, इस सोप से हमारी स्किन पर किसी प्रकार कोई साइड इफेक्ट स्किन पे नहीं होने वाला है, ठीक है। अब बात करता हूँ इस सोप के रिजल्ट के बारे में। तो देखो गाइस आपको मैं बता देता हूँ इसके रिजल्ट के बारे में। इजीली इस सोप का रिजल्ट आपकी स्किन पे जल्दी मिलने वाला है, लेकिन गाइस इसका रिजल्ट मिलने में आपको कम से कम 25-30 दिन लग सकते हैं, क्योंकि गाइस इसका रिजल्ट स्लो है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा इंग्रेडिएंट यूज नहीं किया गया जो स्टेरॉइड केमिकल हो, केमिकल इंग्रेडिएंट है। कई ऐसे इंग्रेडिएंट यूज होते हैं जिससे हमारे स्किन पर अच्छा खासा रिजल्ट और जल्दी मिलता है, ठीक है। बट इसके अंदर ऐसे केमिकल यूज नहीं किया गया है, ठीक है ना। अगर इसके अंदर केमिकल यूज किया जाता तो स्किन पर साइड इफेक्ट्स भी होता ही होता, लेकिन इसके अंदर ऐसा केमिकल यूज बिल्कुल भी नहीं किया गया है, ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके अप्लाई करने के बारे में, ठीक है। इसको यूज हम किस तरह से कर सकते हो, आप नहाने सुबह भी कर सकते हो, नाइट में कर सकते हो। ऐसी कोई क्रीम नहीं है कि हम ओनली फॉर नाइट में ही यूज करें। ये एक सोप है जिसको आप किसी भी टाइम आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली। आप फेस वॉश के थ्रू, फेस वॉश की तरह भी इस सोप का आप यूज कर सकते हो, तो ठीक है ना गाइस। आज की वीडियो मैंने बिल्कुल डिटेल इस शॉप के बारे में डिटेल्स आपको मैंने बता दिया है, बिल्कुल इस शॉप के बारे में सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब।